दोस्तों, जैसे ही महिला गर्भवती होती है उसके दिमाग में सबसे पहली बात यही चलती है कि होने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। चाहे वह गर्भवती महिला लड़का और लड़की में भेद नहीं कर रही हो, यानी कि कहने का मतलब है कि वो सिर्फ जिज्ञासा के लिए जानना चाहते हो कि गर्भ में एक लड़का है या एक लड़की है। हालांकि दोस्तों, गर्भवती महिला लड़का या लड़की में भेद नहीं कर रही होती है, वो सिर्फ अपनी जिज्ञासा के लिए जानना चाहती है कि उनके गर्भ में एक लड़का होगा या एक लड़की होगी, और इसके लिए वो अपने भीतर होने वाले बदलावों को महसूस करने लगती है और घर पर ही ये आइडिया लगाने की कोशिश करती है कि होने वाला शिशु लड़का है या लड़की। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक बिना स्किप किए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस न हो। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में बहुत से अलग अलग लक्षण और बदलाव महसूस होते हैं, और ऐसे ही कुछ लक्षणों को देखकर पुराने जमाने में बुजुर्ग महिलाएं ये आइडिया लगाने की कोशिश करती थी कि उनके घर में लड़का होगा या लड़की, और ये अंदाजा बुजुर्ग महिलाएं घर पर ही बैठकर लगा लेती थी। लेकिन ये 100% सही हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन पुराने जमाने से जो ये बातें चली आ रही हैं कहीं हद तक उनका ये अंदाजा सही भी होता था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वे लक्षण कौन कौन से हैं जिनसे आप घर पर ही लड़का या लड़की होने का अंदाजा लगा पाएंगे। तो सबसे पहला लक्षण है सोने का तरीका। यदि गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के दौरान बाईं ओर करवट लेकर सोना पसंद करती है, यानी अगर गर्भवती महिलाओं को लेफ्ट साइड सोने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो ये गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। जबकि अगर गर्भवती महिला दाईं ओर करवट लेकर सोना पसंद करती है तो ये बेटी होने का संकेत माना जाता है। दूसरा है शिशु की हलचल। गर्भ में शिशु अगर पेट के निचले हिस्से में ज्यादा हलचल करता है, ज्यादा किक मारता है, तो ये गर्भ में बेटा होने का लक्षण माना जाता है। लेकिन अगर महिलाओं को पसलियों में ज्यादा हलचल महसूस होती है तो ये गर्भ में बेटी होने का लक्षण माना जाता है। तीसरा है सूजन। गर्भावस्था के दौरान सूजन की समस्या बहुत सी महिलाओं को होती है, और अगर गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन है तो इसको देखकर भी अंदाजा लगाया जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की, और अगर गर्भवती महिलाओं के पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आ रही है तो गर्भ में बेटी होने का लक्षण माना जाता है, और अगर गर्भवती महिलाओं के पैरों में सूजन कम होती है या पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सूजन नहीं होती है तो ये गर्भ में बेटा होने का लक्षण माना जाता है। चौथा है ब्रेस्ट का आकार। प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला का दायां स्तन बाएं स्तन से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि महिला के गर्भ में एक नन्ही सी राजकुमारी पल रही है। यदि बायां स्तन दाएं स्तन से बड़ा है तब ये माना जाता है कि आपके गर्भ में एक लड़का पल रहा है। पांचवा है पेट पर लाइन होना। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के पेट पर एक लाइन पड़ जाती है, और अगर ये लाइन नाभि के ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल सीधी जाती है तो ये माना जाता है कि आपके गर्भ में एक लड़का है, और यदि यह लाइन नाभि के पास आकर मुड़ जाती है तो ये गर्भ में बेटी होने का लक्षण माना जाता है। छठवा है चेहरे का निखार। ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के चेहरे का निखार बढ़ जाता है तो ये गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है, और यदि महिला के चेहरे का निखार कम हो जाए तो ये गर्भ में लड़की होने का लक्षण माना जाता है। सातवां है जीभ का स्वाद। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से बहुत से बदलाव होते हैं, और कभी कभी उनके जीभ का स्वाद भी बदल जाता है। यदि गर्भवती महिलाओं को खट्टा या नमकीन खाने का मन करता है तो ये गर्भ में बेटा होने का लक्षण माना जाता है, और यदि गर्भवती महिलाओं को मीठा खाने का मन करता है तो ये गर्भ में बेटी होने का लक्षण माना जाता है। सातवां है पेट का आकार। प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिलाओं को अपना पेट का आकार गोल दिखाई देता है तो ये गर्भ में बेटा होने का लक्षण माना जाता है, और यदि गर्भवती महिलाओं को पेट के नीचे लटका हुआ महसूस होता है, यानी कि अंडाकार अपना पेट महसूस हो रहा है, तो ये गर्भ में लड़की होने का लक्षण माना जाता है। आठवां है सिर के बाल। यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के बाल रूखे हो जाते हैं, बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, बाल बिल्कुल बेजान हो जाते हैं तो ये गर्भ में बेटी होने का लक्षण माना जाता है। वहीं अगर आपके बाल इस दौरान काफी लंबे हो गए हैं, घने हो गए हैं, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं, बालों में चमक बढ़ गई है तो ये गर्भ में बेटा होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, जो भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये बातें हमारे पुराने समय से चली आ रही हैं। मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों में भेद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।